डांसर है तू तो सारे गानों पे डांस करेगा। मेरा ख्याल अब हमारी बातें खत्म होगी। आकिब भाई, आज अखबार में क्या है कि जो आप इधर लाए हैं? आप ऐसा करें, पहले एक प्रॉपर दायरा बना लें, फिर हम बात शुरू करते हैं। ये भी कोई पीटीसी शुरू हो गई है, हम कोई दिल्ली चूहे का खेल। पहले दायरा नहीं सही बना। आप ऐसा करेंगे, आप सलमान का हाथ पकड़ लें जी। मैं बारी बारी एक दूसरे का हाथ आप पकड़ें। सलमान, मैं तुम्हारा ये हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। लिसन अप एवरीवन, पहली बात अखबार पढ़ा करें ताकि आपको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरी और ज्यादा अहम बात, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर अब बिल्कुल तब्दील हो रहा है। साल में कई के नए टूर्नामेंट्स होंगे, उसमें मुख्तलिफ टीमें शामिल होंगी और नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। मुकाबला सख्त होगा और जीतने में बहुत पैसा भी मिलेगा। इस सिलसिले का सबसे बड़ा टूर्नामेंट नेशनल सुपर चैलेंज कप अब से 2 माह बाद शुरू हो रहा है। इसमें जीतने वाली टीम के प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपन ट्रायल्स में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और साथ साथ विनिंग प्राइज 5 लाख रुपए टीम में तकसीम होंगे। अखबार और प्रेस में हर मैच की तफसील छपेगी और जीतने वाली टीम के प्लेयर्स के इंटरव्यूज शाया होंगे और हो सकता है तुम में से कुछ प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहुंचकर रातों रात सेलिब्रिटीज बन जाएं। अब आपका क्या ख्याल है इस सब के बारे में? लेकिन आपका इसमें क्या फायदा है? क्योंकि मैं आपकी टीम को कोच करूंगा। क्यों, हमारी टीम को तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोच की जरूरत है तो आपको क्यों नहीं है? आप कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बड़ी टीम तो नहीं है। हमारी प्रैक्टिस बड़ी ओके है और मैच परफॉर्मेंस भी गुजारे लायक है। आप हमें माफ़ी करें। चलो यार, एक सेकेंड, मैंने आप लोगों में टैलेंट देखा है, आपकी आंखों में जीतने की आग देखी है और बगैर गाइडेंस के वो आग सर्द पड़ जाएगी। आप लोगों के जीतने के ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। हर अच्छी टीम के पीछे कोच का ना नजर रहने वाला हाथ होता है। आप लोगों की जिंदगियों के ये दिन वापस नहीं आएंगे और बुढ़ापे में आप इस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल सकते। यही दिन है अली, नूर, सलमान, यही दिन है। आप लोगों की टीम मौजूद है, आप में जज्बा है, फिटनेस है। टीम, जज्बा, फिटनेस, इन तीनों चीजों को लेकर चलें तो ये आपको इस कंपाउंड से निकाल के कदाफी स्टेडियम की लाइट्स के नीचे खड़ा कर सकती है। पूरा स्टेडियम भरा हुआ होगा, तालियों से गूंज रहा होगा, लाइट सिर्फ तुम लोगों पर पड़ रही होगी। अली, नूर, सलमान, सगीर, जिंदगी में कुछ कर गुजरना है तो इस मौके को आज से मत जाने दो, वरना यही मैदान, यही मोहल्ला और यही आसपास की बेकार टीमें, अब बताओ इस तरह क्रिकेट खेलना चाहते हो या चैंपियंस की तरह बैन अल्कवामी सतह पर जहां पूरी दुनिया की निगाहें तुम पर होंगी, जहां यंगस्टर्स ने अपने कमरों में तुम्हारी तस्वीरें लगा रखी होंगी, जहां लड़कियां तुम्हारे पोस्टर्स उठा के ग्राउंड में मैच देखने आती हों, जहां तुम्हारी हर बॉल, तुम्हारा हर चौका अखबार की सुर्खी बनता हो, अब बताओ क्या चाहते हो, ये कंपाउंड या कदाफी स्टेडियम? ओ जी, लो जी, डन है जी। ओ अच्छा, आप हमारे कोच है जी। ओ मगर हमारे पास पैसे नहीं है जी। मैंने आप लोगों से पैसे मांगे, फिर आपको हमसे क्या चाहिए? प्यार, मोहब्बत, दोस्ती और अनथक मेहनत। ओ हाँ हाँ जी, हम लोग मेहनत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओ जी, मेहनत में हमारा ही तो फायदा है। ओ जी, आपका थोड़ी, वो हमारी गेम इम्प्रूव होगी। लो जी, डन। डन कैसे हो गया यार? अच्छी भली हमारी प्रैक्टिस जा रही है, बड़े रिलैक्सिंग स्टाइल से क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। ये खुदा जाने हमसे क्या करवाए है। सलमान, मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, ये बिना वजह की प्रॉब्लम हम पर बनकर आ गए हैं। सर, हमने अपना रोजगार भी कमाना होता है, घर में खाने को रोटी नहीं है और आप आ गए हमें खेलकूद की पट्टियाँ बढ़ाने। उनकी तरह हमारा पेट भरा नहीं होता और ना ही हमारे बाप की कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो ऐसे ख्वाब देखना शुरू हो जाए। हम गरीब आदमी हैं सर, जाए आप आने दें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो लड़के जाते हैं उनके बापों की कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं और तुम इस मुल्क में अकेले गरीब नहीं हो। तुम्हारी तरह के ये गरीब लड़के मेहनत की सीढ़ी पे चढ़ के इतना ऊपर चले जाते हैं, उनको देखने के लिए लोगों को अपने सर उठाना पड़ते हैं। क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं कि लोग उन्हें नेशनल हीरोज कह के पुकारते हैं। करोड़ों दिलों की धड़कन है ये गरीब लड़के, इनके बापों की कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं। कामयाबी मेहनत और जुर्रत से आती है,
गरीबी का बहाना करके अपने ख्वाबों का गला घोड़ने से नहीं। सगीर, मेरा मकसद तुम पे नाराज होना नहीं था। तुम मेरी बातों की टोन पे मत ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, और फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, मुझे तुम अपनी टीम को कोच करने दो, इसमें तुम ही लोगों का फ़ायदा है। अगर आपको कोचिंग के बारे में इतना पता है, आप काबिल कोच हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, तो बोर्ड वालों ने आपको फारिग क्यों किया? बोर्ड वाले बेवकूफ तो नहीं है? कुछ सोच समझ के निकाला होगा उन्होंने। सगीर, तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। मैं तुम्हें गाइड तो कर सकता हूँ और ट्रेन भी कर सकता हूँ, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं है इसका जवाब। दिल में कोई चोर होता ना, तभी इंसान दूसरों से कोई बातें छुपाता है। अली, मेरे तो ख्याल में ये हमारी टीम को इस टूर्नामेंट में एंटर करवा के ना ज़रूर किसी से कोई फेवर लेना चाहते हैं। ये मुआशरे में ख़ुद तो बदनाम है ही, हमें भी बदनाम करना चाहते हैं। वरना आजकल के दौर में कोई किसी का हमदर्द थोड़े ही बनता है यार। हमारी कामयाबी में इनकी कामयाबी है, वो कैसे भाई? आकिब भाई, आप हमें अपने ऊंचे ख्याल और कज़ाफी स्टेडियम की लाइटों से माफ रखें। चलो यार। आकिब साहब, शरीफ आदमी के लिए इस दुनिया में बहुत सी मुश्किलें होती हैं। सब छोड़ो यार, उनकी मर्जी। नहीं जी, मैं जानता हूँ आप एक खरे इंसान हैं, आप बेफिक्र हैं, एक दिन ये सब हमारे क्लब में वापस आएंगे। हमारी क्लब? हाँ जी, आप बेफिक्र हैं, मैं आपके साथ हूँ ना, तो इंशाल्लाह ये भी एक दिन हमारे साथ होंगे। मैंने आपका घर देख लिया, कभी फुर्सत हुई तो ज़रूर चक्कर लगाऊंगा सर। सौ बार यार, क्यों नहीं? मुझे इजाज़त दें।